स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका डबल इंटीग्रेशन है, तो डबल इंटीग्रल हम कैसे करते हैं। ठीक है, हम आपने 2D के अंदर का रखा है, यानी कि जब x एक्सिस और y एक्सिस दो एक्सिस दे रखे थे और उसमें हमें किसी कर्व की जैसे इक्वेशन फाइंड करनी है। मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपका कोई कर्व है, तो ये यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ इसको a, और 0 से a तक हम उसकी लिमिट लेके चलते थे। ठीक है, 0 से a तक लिमिट है, क्योंकि ये लिमिट x एक्सिस की है, तो हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे कर्व में से। ठीक है, तो कर्व में से y की वैल्यू फाइंड करेंगे और x के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन कर देते थे। तो ये तो था हमारे पास जब हमारे पास 2D के अंदर था, यानी कि दो एक्सिस थे, जब हम इंटीग्रेशन करते थे तो हम एक बार इंटीग्रेशन करते थे। लेकिन अब की बार क्या है हमारे अंदर, हमारे पास 3D के अंदर है, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर, तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास दो बार इंटीग्रेशन करना होगा डबल इंटीग्रेशन के अंदर। तो ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपकी स्टेटमेंट एक्स और वाई के अंदर कुछ ना कुछ आपको मिलेगी। ठीक है, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में भी करना है और इसका वाई के रिस्पेक्ट में भी। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर हमें x की लिमिट लेके चलनी होगी। ठीक है, और अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर हमें पहले आगे x लिख रखा है तो x की लिमिट लिख लेंगे, y बाद में है तो y की लिमिट लिख लेंगे। या फिर इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन मान लीजिए आपके पास f ऑफ x और y के अंदर है, और dy पहले लिख रखा है, dx बाद में है, तो हम यहाँ पर जो लिमिट लेंगे वो y की लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिमिट y की ले लेंगे और बाद में हमारे पास dx है तो फिर x की लिमिट लेके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से जो है आपका सेम आंसर मिलेगा। तो डबल इंटीग्रेशन के लिए मान लीजिए मैं आपके पास कुछ भी स्टेटमेंट लेके चलता हूँ कि एक्स वाई प्लस यहाँ पर 2y², ये आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, और dx dy, अब इनके लिमिट भी ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 1 से 2 तक है और ये 2 से 3 तक है। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 से 3 तक तो हमारी लिमिट एज इज रहेगी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो y तो एज इज रहेगा, x का करेंगे तो x की पावर 2/2 आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, प्लस ये देखो 2 तो एज इज, y² भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में करना और कॉन्स्टेंट के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और लिमिट आपकी 1 से 2 तक है और dy आपको दे रखा है। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो 2 से लेकर 3 तक, तो ये आपके पास 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2² 4, 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2y बच जाएगा हमारे पास, प्लस यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 तो 4y² आ जाएगा, माइनस अब 0 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो y/2 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो प्लस का 2y आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था जब हमने x के रिस्पेक्ट में और x की लिमिट लेके हमने इसको सोल्व किया। पहले इसको मैं माइनस को अंदर लेके चलता हूँ, तो 2 से लेकर 3 तक हमारी लिमिट है, तो 2y प्लस का 4y² और माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का y/2 आ जाएगा और y² आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 2y² बच जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाएगी तो माइनस का 2y² हो जाएगा। ठीक है, और dy, अब y वाले स्टेटमेंट को एक साथ लिख लेते हैं और x y² वाली को एक साथ लिख लेंगे, तो 2 से 3 तक तो हमारी लिमिट है, तो इसमें और इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 में से इसको माइनस करेंगे तो 3y/2 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 2y² हो जाएगा, और अब हमें क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2y^2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y^3/3 आ जाएगा, और इसके अंदर लिमिट आपको दे रखी है 2 से लेकर 3 तक, तो पहले क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो 3^2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 की फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 1 जो कैंसिल हो जाएगी तो 2 बच जाएगी 3 की, और 3 की 2 बच जाएगी, तो इसका मतलब 9, और 9 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा आपके पास माइनस। अब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा आपके पास प्लस, अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 आ जाएगा। अब दोनों में क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा, 27 प्लस ये आ जाएगा 2 और ये 7। ठीक है, और माइनस का यहाँ पर भी 3 एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस का 16,
इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा ये 9 और ये भी 9 हो जाएगा बाई 4 और माइनस का ये हो जाएगा 25 बाई 3। अब दोनों में फिर से एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे तो ये 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा 27 और 27 और 2 आ जाएगा 9 माइनस इसके साथ करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारे पास 197 बाई 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया। मैं एक और फंक्शन लेके चलता हूँ। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है उसका डबल इंटीग्रेशन करने के लिए, देखो मैं डबल इंटीग्रेशन आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे वो सरफेस इंटीग्रल के ऊपर करेंगे और सरफेस इंटीग्रल के अंदर हमें डबल इंटीग्रेशन का यूज करना होगा, इसलिए मैं आपको डबल इंटीग्रेशन का बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक है, तो ये आपके पास दे रखा है और x और dy। ठीक है, अब की बार मैं पहले dy लिख देता हूँ और x बाद में लिख लेता हूँ, यानी कि इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो अब की बार जो लिमिट मिलेगी आपको वो y की मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो 0 से लेकर मान लीजिए 2 तक ले लेता हूँ और यहाँ से 0 से लेकर 3 तक ले लेंगे। ठीक है, अब ये तो आपके पास देखो इसको सोल्व करेंगे तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से 3, और इसका वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स तो अब की बार क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्स तो कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई की पावर 2/2 प्लस यहाँ पर वाई की पावर 3/3 आ जाएगा, माइनस 3x है तो इसके साथ वाई और आ जाएगा आपके पास, और लिमिट हमारे पास इसकी दे रखी है आपको, तो मैं लिमिट भी लिख लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है, और dx आपका एज इज रहेगा। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 से 3, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे किसकी जगह पर, y की जगह पर, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो y की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 करेंगे तो 2 बच जाएगा, यानी कि 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 8/3 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 6x आ जाएगा आपके पास, माइनस 0 पुट करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 तो पुट करने के हमें कोई यही रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये और ये आपके पास अगर सोल्व करेंगे तो 0 से लेकर 3 तक तो ये आ जाएगा 8/3 माइनस का 4x और dx। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 8/3 इंटू एक्स आ जाएगा माइनस इसका इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 आ जाएगा, और 0 से 3 तक आपकी लिमिट दे रखी है, तो पहले तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, 2 बच जाएगा, यानी कि 8/3x माइनस का 2x स्क्वायर, और लिमिट आपकी है 0 से 3 तक। तो पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 8 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही बच जाएगा आपके पास, यानी कि माइनस का 10 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, मैंने दोनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन करके दिखा दिया कि मान लीजिए अगर dx आगे लिख रखा है तो हम क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पर x के लेके चलेंगे, और y लिख रखा है तो उसकी लिमिट हम बाद में लेके चलेंगे। तो पहले जो फंक्शन दे रखा है उसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और फिर उसके अंदर लिमिट पुट करने के बाद जो हमारे पास आएगा फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे। अगर ये है तो, अगर ये है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, और y के रिस्पेक्ट में करके उसकी जो लिमिट है हमारी वो लिमिट पुट करके फिर हम हमारे पास जो फंक्शन आएगा उसका विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, और फिर उसके अंदर फिर x की लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास कि अगर हमें डबल इंटीग्रल कैसे निकालना है। ठीक है, स्टेटमेंट किस टाइप से मिलेंगी हमें और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।